राजस्थान के उदयपुर में नूपुर शर्मा के समर्थक दर्जी कन्हैयालाल की हत्या के बाद यूपी में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज अयोध्या के हिंदूवादी संगठनों ने भी प्रदर्शन किया और शहर के सिविल लाइन के गांधी पार्क में इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंका। इसके साथ साथ कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी देने की मांग बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की। इस दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह उदयपुर में कन्हैयालाल की खुलेआम नृशंस हत्या की, वहीं प्रधानमंत्री तक के लिए अपशब्द कहने वाले वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए गए, ये देश की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाले हैं। द्वारा जो कन्हैयालाल जी की नृशंस हत्या इस्लामिक कट्टरवादियों द्वारा की गई है, पूरा देश इसके लिए आंदोलित है और बजरंग दल आज प्रत्येक जिले में मुख्यालय पर इसके विरुद्ध इस्लामिक आतंकवाद और कट्टरवाद का पुतला फेंक रहा है, जिससे उन आतंकवादियों और कट्टरवादियों तक यह संदेश पहुंच जाए कि तुम्हारे वीडियो वायरल करने से हम डरेंगे नहीं, हम कन्हैया लाल के साथ भी हैं और हम नूपुर शर्मा के साथ भी हैं। आज ये गांधी पार्क, अपने अयोध्या के गांधी पार्क में हम लोगों ने इस्लामिक कट्टरवाद और आतंकवाद का पुतला फेंक करके पूरे देश में यह संदेश देने का प्रयास किया। हमारी मांग है कि उन हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की, उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाया जाए। हमारा नाम धीरेश्वर है और हम लोग देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।